Hey guys, this is Ashish and welcome back to AB Ventures. Hope you guys are doing fine. तो welcome to another video जहाँ पे कि हम लोग challenge करेंगे कि company के जो claimed ground clearance के figures होते हैं वो कितने सच हैं और कितने ज़्यादा manipulated हैं. And this time we have a very special car with us, एक newly launched car in the market, which is you know shaking the off-roading world. Basically जो off-roading community है वो दो हिस्सों में तीन हिस्सों में split हो गई है. एक तरफ है जिमनी लवर्स विच इज ऑब्वियसली अ वेरी स्मॉल छोटी सी पिटीट सी गाड़ी एंड इट हैज बीन प्रूवन वेरी केपेबल इन द पास्ट. जो उसके प्रीवियस वर्जन थे जिप्सी वगैरह दे वर वेरी केपेबल. ये एक्चुअल में कितनी केपेबल है अभी वी आर स्टिल एक्सप्लोरिंग बट लेट्स होप कि ये भी उतनी केपेबल हो. उसके बाद उसके थोड़े से महंगे काउंटर पार्ट्स जैसे कि आपका थार है या फिर गुरखा है या फिर स्कॉर्पियो. ऑफकोर्स माई स्कॉर्पियो इज नॉट 4x4 बट एटलीस्ट इट्स अ बिट बिगर अ लॉट बिगर और इट इज़ वेरी केपेबल. मैं इसको बहुत जगहों पर ले जा चुका हूँ. इफ़ यू गाइज हैव बिन फॉलोइंग माई चैनल तो आपको आइडिया होगा कि क्या क्या हरकतें इसके साथ मैं कर चुका हूँ एंड दिस कार हैज़ नेवर लेट मी डाउन टिल डेट. द पॉइंट इज कि मेरे एक दोस्त ने अभी जिमनी ली है और उसका खुद का यूट्यूब चैनल है एक्सप्लोर ऑन व्हील. लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ूंगा, डू चेक इट आउट. दैट पर्सन हैज़ बीन राइडिंग बाइक्स ऑल हिज लाइफ. बाइक्स के ऊपर उसने बहुत ट्रिप्स मारे हैं इधर उधर, कुछ वीडियोस वगैरह भी अपलोड कर रखे हैं एंड ही इज़ वेरी एडवेंचरस. अभी भी वो अपने एक ट्रिप पे गया हुआ है, उस फर्स्ट जिमनी वाला ट्रिप. आई एम नॉट श्योर कि वो कितना ज़्यादा सक्सेसफुल होगा बिकॉज हिमाचल इज पोरिंग कैट्स एंड डॉग्स. तो एनीवे इस वीडियो में हम लोग चेक करेंगे कि जिमनी का जो क्लेम्ड फिगर है वो कितना सच है एंड हाउ इज द जिमनीज ग्राउंड क्लियरेंस कंपेयर टू स्कॉर्पियो. इस टाइप का एक वीडियो मैं ऑलरेडी पहले बना चुका हूँ, दैट वॉज स्कॉर्पियोज कंपेरिजन विद किया सेल्टोस. दो तीन चीज़ें जो मैं बताना चाहता हूँ, क्लियर आउट करना चाहता हूँ इस वीडियो में, वो ये हैं कि मेरी स्कॉर्पियो में ऐसा कोई मॉडिफिकेशन नहीं है जिसकी वजह से सस्पेंशन जो है वो लिफ्ट हुई हो. सस्पेंशन जो है वो अपने लेवल पे ही है. उसकी जिमनी में देर इज़ अ स्लाइट मॉडिफिकेशन इन टायर्स. टायर्स का जो साइज़ है वो करीब 10 mm जो है वो बड़ा हुआ है डायामीटर में. दैट मीन्स की ओवरऑल जो उसकी ग्राउंड क्लियरेंस जो रेडियस बढ़ेगा वो अराउंड 5 mm बढ़ेगा. तो 5 mm का उसमें डिफरेंस है. दूसरी चीज़ ये है कि दोनों गाड़ियों का जो टेस्टिंग करी है वो हमने अनलैडन वेट के साथ करी है. वेट वगैरह कुछ नहीं था, ओनली द ड्राइवर वाज सिटिंग इन द कार. ड्राइवर के अलावा और कोई नहीं बैठा हुआ था गाड़ी में. एक सिंपल सा टेस्ट है जिसके अंदर की एक ऑब्स्ट्रक्शन के ऊपर से गाड़ी निकाली हुई है. ऑब्स्ट्रक्शन क्या थी, ये एक स्टील की रॉड है, स्क्वायर ट्यूब है अगर आप देख सकते हो तो, हल्की सी है. द थिंग इज कि ये अराउंड 2.5 से 3 फुट बड़ी है, अराउंड 2.5 फुट से बड़ी है, थोड़ी सी 3 फुट से थोड़ी सी छोटी है, अराउंड 32 inches. और इसका फ़ायदा ये है कि इट गिव्स यू अ बिग स्पेस अंडर द कार. तो अगर ये अगर आपकी गाड़ी से नीचे से इजीली निकल सकती है तो आप समझ लो कि एक छोटा पत्थर या ईंट वगैरह आराम से आपकी गाड़ी के नीचे से निकल सकता है. इसको मैंने रखा था एक जैक के ऊपर, जैक एक सीजर जैक के ऊपर. और ये इतना लाइट वेट है कि ये गाड़ी को नीचे से डैमेज नहीं करेगा. जैसे ही गाड़ी का कोई भी पार्ट इसको टच करेगा इट विल फॉल ऑफ और आपको पता चल जाएगा दैट यू हैव रीच द लिमिट ऑफ योर ग्राउंड क्लियरेंस. तो इसको यूज करके मैं कंट्रोल टेस्ट करने वाला हूँ एंड अ कंपैरिजन बिटवीन जिमनी एंड स्कॉर्पियो. और उसके लिए जो है सबसे पहले मुझे जाके अपने दोस्त से मिलना पड़ेगा. और अमित भाई क्या हाल? बढ़िया है भाई. वेलकम टू एक्सप्लोर ऑन व्हील. वेलकम टू न्यू जिमनी. कैसा लग रहा है? एकदम बढ़िया भाई, सब नोटिस करते हैं. सब नोटिस करते हैं. सही है सही है. और गाड़ी तो एकदम मस्त लग रही है. अच्छा आप मुझे एक चीज बताओ, आपने इसके ऊपर वीडियोस तो डालने शुरू कर दिए, व्हाट यू लाइक अबाउट इट एंड व्हाट यू डोंट लाइक अबाउट इट. अब मुझे ये बताओ कि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में आपका क्या ख्याल है? भाई मेरे हिसाब से तो बहुत है, बाकी और लिफ्ट भी कर सकते हैं 2 mm की किट लगा के. आपके टायर्स जो हैं वो चेंज किए हुए ना आपने? हाँ, उससे भी करीबन थोड़ी सी बड़ी है, 10-12 mm. जो इसमें आता स्टॉक टायर आता है वो क्या साइज होता है? 195/80/15. और अभी आपने क्या लगाया? 215/75/15. 10-11 mm का फर्क आया ऊंचाई में, मतलब 1 cm के करीबन. 1 cm का फर्क आया. चलो तो मतलब ये स्टॉक जिमनी से थोड़ी सी ऊपर है. हाँ. हम अभी फिलहाल उसको इग्नोर मार देते हैं. तो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस और ऑन पेपर्स कितनी है? ऑन पेपर 210 mm है. मतलब ये टायर चेंज करके हम ये मान 215-220 के आसपास. तो क्या कहते हैं स्कॉर्पियो के साथ एक बार चेक करें इसको? कर लो भाई, बिल्कुल कर लो. अब तो बड़ी गाड़ी. चलो आओ स्कॉर्पियो के साथ चेक करते हैं इसको.
ओके, तो ये है हमारा फर्स्ट कंट्रोल टेस्ट और ये हाइट जो जा रही है 200 mm। तो चलो शुरू करते हैं जिमनी का पहला टेस्ट 200 mm। ओके, तो सक्सेसफुली जिमनी हैज क्रॉस 200 mm। अब बारी है स्कॉर्पियो की। ओके, तो अब जो है इसकी हाइट हम थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। तो ये है अभी जिमनी का क्लेम फिगर 210 mm। ओके, तो जिमनी ने अपना क्लेम फिगर पार कर दिया। And now we will bring it to 220 mm। तो यू कैन सी कि जिमनी के नीचे जो सस्पेंशन का जो लिंक रॉड है वो जहां से आके शेसिस के साथ जुड़ता है, जो बुश है, ये रॉड उसके साथ टकराई है। दैट मींस इट इज द लोएस्ट पॉइंट इन जिमनी एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट। तो दिस वॉज 220 mm इफ यू कैन सी। और अब इसको हम स्कॉर्पियो की लिमिट को चेक करते हैं। पिछली बार ये 230 पे गिरा था, इस बार देखते हैं कहाँ गिरता है। ओके, 230 mm यू कैन सी। स्कॉर्पियो है 230 mm, टकराई है अपने पेट्रोल टैंक के प्लास्टिक के गार्ड के साथ। अगर ये गार्ड नहीं लगा होता तो ये रॉड 230 mm पे भी पार हो जाती, कोई दिक्कत नहीं आती। तो दिस इज इट गाइस, होप आप लोगों को एक कंपैरिजन पसंद आया होगा, फन सा एक्सपेरिमेंट। ये सब करने में बहुत मजा आता है क्योंकि इसके दो फायदे होते हैं। एक तो आपको अपनी गाड़ी की कैपेबिलिटीज पता चल जाती है कि कहां तक आप उसको स्ट्रेच आउट कर सकते हो। दूसरी चीज ये कि ये कैमरेज और इधर उधर सेटअप करने से आपको अपनी गाड़ी की अंडर बॉडी के बारे में पता चल जाता है, जो कि जनरली लोग ध्यान नहीं देते हैं कि नीचे क्या क्या लगा हुआ है, किस किस चीज का ध्यान देना है। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ इनपुट्स प्लीज प्रोवाइड द सेम। आई विल बी वेटिंग फॉर योर फीडबैक। और इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं पे खत्म करता हूँ। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल ए बी वेंचर्स एंड ऑल्सो सब्सक्राइब अमित चैनल एक्सप्लोर ऑन व्हील्स। दोनों के लिंक नीचे हैं, मेरी चैनल में तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, कर दो यार। तो दिस इज इट गाइज, मैं आप लोगों से मिलता हूँ जल्दी अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप ट्रैवलिंग, कीप लिविंग, सी या।